अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों आज ना मैं छुपके छुपके एक ऐसी जगह पे आया हूँ, एक हमारे पाकिस्तान के नामवर एक्टर जिनका नाम अज़र रंगीला साहब, कॉमेडी किंग कहलाते हैं पूरे पाकिस्तान में। जैसे इंडिया में जॉनी लीवर इनके दोस्त हैं, तो इनका आज प्रोग्राम लाइव शूट हो रहा है, उनके सेट पे आ चुके हैं। आज आपको मैं चोरी चोरी उनकी शूटिंग दिखाऊंगा कि शूटिंग कैसे होती है और कैसे शूटिंग शूट की जाती है, तो आपको बड़ा मज़ा आने वाला है। उनके काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम्स हैं, काफ़ी फेमस एक्टर हैं अज़र रंगीला साहब, कॉमेडी किंग कहलाते हैं पाकिस्तान के। उनका प्रोग्राम आता है खबरियार, खबरदार, आफ्ताब इकबाल साहब के प्रोग्राम्स में वो आते हैं और काफ़ी फिल्म्स में भी काम किया उन्होंने, और आज उनके सेट पे आ चुके हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगा, ये उनका छोटा सा सेटअप है, ऑफिस है उनका, और अब आपको मैं शूटिंग के एरिया में लेके जा रहा हूँ। चुप करके देखना है सिर्फ यार, बड़ी मुश्किल हो रही है करना। अच्छा जी जी, मैं अपनी दौजन की आखा उन्हें बड़ा समझाया, सब कुछ किया, मगर पता नहीं की मुंडे नु होया। मेरे शरीकां ने मेरे प्यारे मेरे च कुबार किया, या काला जादू हो गया मेरे घर से, ते मेरा पुत्र नलायक निकलिया। मैं घर नौ लिया चाह मैं घर च नौ लियाना चाहता साम यह आटे की बोरी लेके आ गए। ये कोई तरीका नहीं कसम, मैं तुम्हें की दसा, ये नौ कट तो वटा बहुत है, बड़ा अजीब जहाँ रिपेयर खुसरिया वर्गा मूँह इंजा, पता नहीं मेरे पुत्र को क्या पसंद आ गई है। मैं अपने पुत्र का विह अपने अच्छी करता, पूरी दुनिया में पता लग जाता, जहाज तो पर्चियां सुटनिया सी मैं। अच्छा बुजुर्गो, ए तुसी गल कर रहे हो, ए अपना बच्चे ने शादी तुहाडी मर्जी नाल नहीं कीती? ना बेटे जी, इन्हें मेरी मर्जी नाल शादी कीती, इन्हें अपनी मर्जी नाल शादी कीती, बल्कि इन्हें कुड़ी दी मर्जी नाल शादी कीती है। ए कुड़ी दा बड़ा लैटर बक्स वर्गा मूँह है, इन्हें ना मेरे पुत्र नूं फसाया। मेरा पुत्र फसने वाला नहीं सी, दो चार बारी इहदे घर कोल लंघिया नहीं फसिया, आखिर इहदी मां ने चिकन कीता मेरा पुत्र फस गया भी। बस मैं तुहानूं की दसां, मैं बहुत परेशान हाँ, मेरे घर नूं नज़र लग गई है बेटे जी, नज़र लग गई है। मेरा सवाल है कि आप देखिए, जमाना बदल गया है, बच्चे जैसे जीना चाहते हैं, जैसे अपनी लाइफ गुजारना चाहते हैं, उन्हें गुजारने दे। जीवे जीना चाहते हैं, वह जीन जीन मरण मगरों लथन है जी, आज हो गई है, सब कोई किता है ना, वो आते हैं कारबुआ बनाया है, कारोबार कराया है, और की करिए है, क्यों ऐसे आने उन्होंने कुछ करिए है, अपने घर है, इन्हें माँ प्यो का बूह टूटा हुआ है, साढ़े घर आके साढ़े से नुकसान की नहीं कर दिए, इनका बात छोटा है, तेरा अपना बात किड़ा खुला है, ये 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 करनी है, हैं? बात बात दो टप मिलो है नहाना थी, है जी, क्योंकि मैं अमरीकन स्टाइल च रहना, इन्हें आने ठार मार के एक टप भन दिता है, पर आपको टप ही नहाने तरीका होता है जी। देखिए ना, आप इस तरह की करें, आपकी वो बेटी है, बेटियों की जगह पे है, बेटी बने ना माँ ना बने है जी, वो चाहती है कार्य पूरा होल्ड करना चाहती है, कोई तरीका नहीं है जी, तरीके ने रहना चाहिए, नौ चीज अपने आप ही रहना चाहिए, कहें जी मैं बाहर जानी मैं रोको ना है, ऐवे निके निके भज में बाहर जाती है, मैं ऐसे आया हूँ बच्चे ने ट्रॉफी लैनी हो कहें जी मैं ले आया हूँ है, अच्छा नहीं लगता करो नौ चीज जानी है, फिर पाँच मुंडे पिछले मोटरसाइकिल के पिछले बहन जाइए, तरीके ने रहना चाहिए, चादर नहीं लेंदी दुपट्टा लेके बह जाती है, मैं तेरे की दसो कैमरे सामने एडे एडे डांड रहे एडा एडा पिंड है जी, दुपट्टे कवर ही नहीं होता, तेन अपने फिर भी नहीं आती। तौबा 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 तौबा, मैं कहा तुम भी तौबा करो, ऐ वेखो इंजन वेखो जरा और फिर तौबा करो। मैं तेन दस रहा बेच ना बोल बहू नू कह रहे मैं कहा बेच ना बोल, वेखे जबान कड़ी कैंची वर्गी जबान है नहीं, टक 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 बजुर्गों को नहीं कि बुजुर्ग ने कोई शर्म याद है घट आता, कल जो भी बुजुर्ग बनना है और पता नहीं बनना है कि नहीं बनना। बुजुर्गों मेरा आपसे सवाल है, जो होना था वो तो हो गया है कि या पहले भी यही सी? अच्छा नहीं नहीं, अच्छा बुजुर्गों जो होना था वो तो गया हो, ठीक है, अब आप क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके देखने वाले आप, ठीक है मतलब समझ,
मैं आपको बताता हूँ ये मैसेज मैंने क्या देना है। जो लोग बाहर मेहनत मजदूरी करने जाते हैं, पीछे औलाद माँ के सहारे होती है, माँ और बाकी रिश्तेदार, अगर ज्वाइंट फैमिली है तो फिर भी कुछ बचत हो जाती है। ये जो कलिया कलिया औरतें बच्चे लेके रहेंदियां ने, उन्हें कोई हाल नहीं होता। उन्हें खुदा दे वास्ते कला ना छोड़ो, बच्चे बाहर जाते ने, बाहरों आते ने, उन्होंने चेक करो बच्चे किवें रहते ने, उन्होंने यार दोस्त कहो जे ने चेक करो, पूछो टैलीफोन से किन्नी देर बच्चा लगा रहा है, हैं नैट से किन्नी देर बैठा रहा, जरूर चेक करो, अखां खोलो, तुहाड़ी जिम्मेदारी है। और सब तो वड्डा हल है बच्चे की तरबियत च जिक्र नूं लैओ, बच्चे नूं नमाज दा आखो, नमाज हर बुरे काम तो रोक लैंदी जे इंशाअल्लाह। मैं कुछ नहीं कह सकता, बस बच्चों नूं रिज़्क़ हलाल खवाओ तो बच्चे चंगे होंगे। मैं तुहानूं की आखा, बस मैं तो ऐसे तरह ही हाँ, क्योंकि मापे जिहड़े मापे ही हुंदे ने, औलाद जिहड़ी मर्जी गंदी हो जाए, है जी वो की ड्रामे कहिंदे हुंदे गंदी औलाद ना मजा ना सुआद, है जो मर्जी है स्वाद आवे ना आवे, औलाद औलाद ही होंदी है। ये भावें फिके होन, माँ प्यो वास्ते छिड़के मिठे होंदे ने इन्हां बच्चियां नूं। दोबारा दोबारा, माँ वास्ते माँ प्यो वास्ते छिड़के मिठे होंदे ने, दोबारा जरबा जाहिर करो। औलाद जिहो जी भी होवे, है जी जिहड़ी मर्जी फिकी होवे, पर माँ प्यो वास्ते शर्तियाँ मिठे होंदे ने। अल्लाह पाक सब दी औलादां नूं नेक हिदायत देवे, और माँ प्यो की खिदमत करन, माँ प्यो की ख्वाहिश नूं उन्हां दी इज्जत नूं मद्देनजर रखदे होए जिंदगी गुजारन। शुक्रिया, थैंक यू। दोस्तों ये थे अज़हर रंगीला साहब, पाकिस्तान के मारूफ जो है एक्टर, कॉमेडी किंग कहलाने वाले, और बड़ा नाम है माशाल्लाह इनका। जो इंडिया के किंग है ना जॉनी लीवर साहब, वो उनके दोस्त हैं, बहुत ख़ास दोस्त हैं। काफ़ी फिल्मों में इन्होंने काम किया, और काफ़ी ड्रामों में, और काफ़ी प्रोग्राम, आजकल भी इनका प्रोग्राम चल रहा है खबर यार, आफ्ताब इकबाल साहब के साथ एक्सप्रेस न्यूज़ पे, और काफ़ी इन्होंने प्रोग्राम्स में शिरकत की। आज हमने आपको इनके सेट पे आके लाइव शूटिंग उनकी दिखाई। दोस्तों बताना नहीं किसी को, चोरी चोरी शूट की है। सो अभी ये वीडियो हम लीक करने वाले हैं प्रोग्राम से पहले, तो आपने इसको सपोर्ट करना है, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आफ्ताब इकबाल साहब तक ये वीडियो पहुँचनी चाहिए। सब्सक्राइब नहीं करना वो दस देता है।